भारतीय नौसेना में कोमोडोर पद से रिटायर्ड सी उदय भास्कर भारत में रक्षा और कूटनीति के जाने माने विशेषज्ञ हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर रिसर्च करने वाली अहम संस्था IDSA के प्रमुख रहे उदय भास्कर आज के हमारे हल्ला बोल गेस्ट एंकर वीकेंड स्पेशल के एंकर हैं। नमस्कार, मेरा नाम उदय भास्कर है। आज का हल्ला बोल का जो स्पेशल एडिशन है उसमें आप लोगों का स्वागत है। मैं गेस्ट एंकर हूं और मैं शपथ लेता हूं कि एंकर के तौर पर मैं पत्रकारिता धर्म का पालन करूंगा, किसी का पक्ष नहीं लूंगा, हर गेस्ट को बारी बारी से बोलने का पूरा मौका दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति। पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी उथल हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब और उनकी बिटिया मरियम, उनको गिरफ्तार किया गया है। और साथ साथ पिछले 2-3 दिनों में ये बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में कई मासूम लोग मारे गए हैं, उसमें करीब 130 लोग दहशतगर्दी के हमला में उनका देहांत हो गया है। कई सारे लोग बलूचिस्तान में मारे गए हैं और ये सब पाकिस्तान के इलेक्शन के पहले हो रहा है। जुलाई 25 तारीख को पाकिस्तान का इलेक्शन होने वाला है और कई प्रकार के अटकलें हैं कि कौन जीतेगा और कौन सामने नहीं आएगा। ये काफ़ी स्पष्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर, जो कि पंजाब के प्रांत का राजधानी है, काफ़ी राजनीतिक उथल है। और ख़ास नवाज शरीफ साहब की जो व्यक्तिगत जो भूमिका है जेल के अंदर से, वो PMLN उनका जो पार्टी है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होगा, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति और जो नवाज शरीफ साहब का जो व्यक्तिगत जो इस वक्त स्थिति है, क्या इसका निष्कर्ष हम कर सकते हैं और इससे भारत कहां तक प्रभावित होता है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत अहम पैनल है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारत के जो पूर्व हमारे हाई कमिश्नर रहे हैं राजदूत जी पार्थसारथी साहब, जाने माने हैं। उनके साथ स्टूडियो में फौज के लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आप दोनों का स्वागत। और हमारे साथ जुड़ेंगे गुड़गांव से तिलक देवेशर, जो कि पाकिस्तान के ऊपर वो काफ़ी जानकार हैं और 2 किताब उन्होंने लिखा है पाकिस्तान के बारे में। साथ साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टी से 2 हमारे लीडर्स पॉलिटिकल जुड़ेंगे, राशिद अलवी साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस, वो दिल्ली में हैं, वो भी के साथ जुड़ेंगे। दूसरे BJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब भी हैं। और पाकिस्तान से कमर चीमा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़े समय में। सबसे पहले मैं पार्थसारथी साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, अगर आप हमें संक्षेप में बताएंगे कि जो भी हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, खास नवाज शरीफ साहब के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का लहर है, आपका क्या निष्कर्ष है, क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक परंपराएं स्थायी रूप से कभी नहीं रहते। नवाज शरीफ 2 बार पहले सेना ने हस्तक्षेप करके उनको हटाया, एक बार जनरल वहीद कक्कर, एक बार जनरल मुशर्रफ। इस बार मेरी राय में और लोगों की राय में, अगर पाकिस्तान के लोगों की राय में, अदालत, जुडिशरी और सेना सम्मिलित होकर उन्होंने इनको निकाला है। जब जजमेंट आया तो एक अभूतपूर्व था, इसलिए कि उस अदालत में इनको ये साबित करना था कि ये निर्दोष है। उनकी जरूरत नहीं थी कि वो साबित करें कि ये दोषी हैं। तो ये पहले से ही गिल्टी थे, ये पहले से ही गिल्टी हैं और दोषी पाए गए। और मेरा कहना ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनको कई सालों से जानता हूँ, ये एक बहुत ही धनवान परिवार से हैं। इनके पिताजी जो थे वो स्टील मैग्नेट थे, स्टील इंडस्ट्री के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो
जाहिर है कि वो देश के बाहर रहते थे और पैसा जो भी इन्होंने कमाया इन मकानों के लिए उनके पिताजी ने कमाया, लेकिन इनको सही है साबित नहीं कर पाए तो दोषी पाए गए और 10 साल की सज़ा मिली इनको। अब अगर आप देखें तो अगर इसी तरह तुलना की जाए फौज का क्या हाल है। मुशर्रफ के मकान हैं दुबई में और लंदन में। कयानी साहब रिटायर होते ही सिडनी में चले गए जहाँ मैं राजदूत था ऑस्ट्रेलिया में, बड़े आलिशान मकान में रहते हैं। एक जनरल को इतना पैसा आया कौन, उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। और ये उस समय आए जब सेना और इनके बीच तनाव था कई विषयों पर, उसमें सम्मिलित थे भारत के साथ रिश्ते। तो अब ये एक ऐसे केस है जहां इनको बेल मिल सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि इनको तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फौजियों के लिए अलग कानून है और नवाज शरीफ साहब जैसे पॉलिटिशियंस के लिए अलग कानून है। नहीं, दूसरी बात ये कि पहली बार, और ये पाकिस्तान के प्रेस में छपा है कई बार, जुडिशरी और मिलिट्री मिला के एक सम्मिलित होकर इनका विरोध कर गया। मैं देखता हूं अगर कमर चीमा साहब जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, तो चीमा साहब आप हमें बता पाएंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति और नवाज शरीफ साहब का, जैसे अभी पार्थ सारथी साहब बता रहे थे कि फौज और वहां के जो जुडिशरी है मिला के उन्होंने इस प्रकार का दबाव बनाया है नवाज शरीफ साहब और PMLN के ऊपर। चीमा साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पनामा केस आया था, जब पनामा लीक्स आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि एक कमीशन बनाया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। बाद में ये हुआ कि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड है उसके तहत इस पिटीशन को सुना, जो कि उस वक्त इमरान खान साहब ने दायर की और कुछ और लोगों ने दायर की। तो जब सुना गया और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पाया गया कि जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने जो पैसा, एक तो वो जो चीजें कुछ डिक्लेयर नहीं की थी तो वो साधक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उनको नाहल किया गया। इस बिकॉज ये केस ट्रायल कोर्ट से होके नहीं गुजरा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए, इसलिए ये तीनों चारों केस जो थे वो वापस ट्रायल कोर्ट में नीचे आए। जब ट्रायल कोर्ट में आए एवन फील्ड केस जिनमें नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, उनकी बेटी को, दामाद को सजा हुई है, उसकी वजह ये है कि वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। करप्शन नहीं, ये बात नहीं कि करप्शन की बात, यह है कि वो मनी ट्रेल नहीं दे सके कि ये पैसा हमने लंदन कैसे भेजा। तो जब आप मनी ट्रेल नहीं दे सके तो अदालत ने ये कहा है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ करप्शन, तो अब इस चीज पर उनको सजा दी गई है। अब इसमें 100 से ज्यादा जो है वो इंक्वायरी हुई, 100 से ज्यादा केस के बाद 100 से ज्यादा जज साहब ने नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को बुलाया, उनके वकीलों को बुलाया ताकि वो अपने अपने गवाह लाएं और साबित करें, लेकिन वो जब साबित नहीं कर सके तो अदालत ने तकरीबन एक साल के बाद इनको सजा दी। 2.5 साल से ट्रायल चल रहा है। तो एक बात तो यह है कि पाकिस्तान में पहली दफा चीज एस्टैब्लिश हो रही है कि अगर किसी बड़े ने करप्शन की है, किसी बड़े ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में यह कानून रहा है कि पावरफुल को सजा नहीं मिलती, जैसे कि इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक ये साउथ एशियन और डेवलपिंग कंट्री से है जहां पे ये प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं है। पाकिस्तान में जुडिशरी मजबूत हुई है 2007 में जब जुडिशियल यहाँ पे मार्च हुए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया गया था, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें चली थी, तो पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत अदारा उभरा था वो जुडिशरी थी। जुडिशरी आजाद है, इंस्टीट्यूशन है, सेपरेट काम कर रहा है, उसने ये फैसला किया है कि नवाज साहब सजा याफ्ता है, उन्हें सजा देनी चाहिए, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। आपको एक मिनट यहाँ रोकना चाहता हूँ, एक मिनट एक संक्षेप में बताइए, आप जो भी बता रहे हैं अगर पाकिस्तान में जो जुडिशरी है अगर मजबूत हो गया है 2007-08 के बाद, क्या ये बात सही होगा कहना में कि नवाज शरीफ साहब सबसे पहले शिकार हुए और मुशर्रफ साहब के ऊपर इस प्रकार का कानून के दायरे में नहीं ला पाए, ये सही होगा?
देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल, ये सही बात है कि मुशरफ साहब को जो है वो उनको स्पेस मिल रही है, और स्पेस किसने दी है? स्पेस पॉलिटिशियंस ने दी है। ठीक है, ठीक, पिछली गवर्नमेंट ने स्पेस दी और नवाज शरीफ साहब ने खुद ईसीएल से नाम निकाला मुशरफ साहब। बात सही, मैं वापस आपके पास आऊंगा चीमा साहब, थैंक यू, मैं वापस आऊंगा। राकेश साहब, आपने अभी सुना जो चीमा साहब बता रहे हैं और जो पार्था साहब ने बताया, आपकी क्या राय जहां तक ये इस वक्त जो अंदरूनी स्थिति है पाकिस्तान में? कहने का ही तात्पर्य यह है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा एविडेंस दिया, मरियम ने 82-83 बार आकर एविडेंस दिया, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, उस टीम के आर्मी के मेंबर्स भी थे, 2 ब्रिगेडर्स भी थे। सो जब आप पूरा इसको देखा जाए तो पनामा केस में बहुत सारे लोगों का नाम आया, पर इनको एक साइडलाइन करके इनके ऊपर चार्ज किया गया। इन्होंने जब एविडेंस दिया लास्ट ईयर नवंबर के महीने में, तो कतर के एक प्रिंस की इन्होंने चिट्ठी दिखाई एसआईटी को, जिसमें उन्होंने कतर के प्रिंस से लिखा था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है उस प्रॉपर्टी में जो लंदन में है, एवनफील्ड जो बोलते हैं। साथ में ही शरीफ साहब ने भी बोला कि मेरे फादर जो मियाँ मोहम्मद शरीफ थे, उनकी जो जेड्डा में स्टील मिल्स थी, उनका भी उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्वमेंट था। अब वो क्योंकि बाहर का पैसा था, प्रॉब्ली वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वो जो प्रॉपर्टी ली गई, जो जो फ्लैट लिए गए वहाँ पर मेफेयर में, वो फ्लैट्स का पैसा पाकिस्तानी था या उनके इन्वेस्टमेंट या उनका पैसा जो सऊदी अरेबिया से गया था, कतर से गया था, ये शायद बताया नहीं जा सकता। पर कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तव में उनको एक बनाकर इस इलेक्शन से पहले, एक साल से पूरा चल रहा है, लास्ट ईयर जुलाई से ये चीज चल रही है, लास्ट ईयर जुलाई में एविडेंस इनको सजा दी जा सकती थी, पर इन्होंने एक साल के बाद इलेक्शन से 15 दिन पहले उनको बोला जी इनको 10 साल का कारावास और मरियम को 7 साल का और उनके सन इन लॉ को 1 साल का। ये सिर्फ इलेक्शन के दारोमदार है, तो पॉलिटिक्स है ज्यादा, पॉलिटिक्स है ज्यादा। ठीक है, मैं तिलक देवेश्वर साहब, मैं आपसे अभी जानना चाहता हूं, आपने किताब लिखा है पाकिस्तान के बारे में और काफ़ी बारीकी तरीके से आप पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति को आप समीक्षा कर रहे हैं, आप बताइए साहब आपका क्या असेसमेंट या अंदाज़ा है कि अभी जो नवाज शरीफ साहब का जो अरेस्ट हुआ है, ये इलेक्शन के ऊपर क्या असर होगा? तिलक साहब, इलेक्शन से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो मेन मुद्दा है गवर्नेंस का, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का है, और इसलिए हम सब, कोई भी मुद्दा होता है हम उसको सिविल मिलिट्री के तराजू में तोलते हैं कि इसमें आर्मी का क्या रोल है। एक्चुअली ये जो पनामा पेपर्स है ये क्यों आया, इसमें आर्मी का कोई रोल तो नहीं था? आर्मी ने एक एडवांटेज लिया है पनामा पेपर्स, क्योंकि नवाज शरीफ ने करप्शन की हुई थी, उसको यूज किया है नवाज शरीफ के खिलाफ, एक तो बात यह होगी। अब आते हैं कि नवाज शरीफ की कन्विक्शन और वापस आने पर क्या इम्पैक्ट होगा। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुन थे वो बहुत डिमोरलाइज हो गए थे कन्विक्शन के बाद, और शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट बना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो इतनी कार्यकर्दगी नहीं दिखा सका, लीडरशिप नहीं दिखा सका कि सारे कार्डर्स को साथ लेकर चले। तो नवाज शरीफ के वापस आने से दे दिखाने के लिए कि मैं डरता नहीं हूँ और मैं जेल भी जा सकता हूँ, कार्डर्स में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और कार्डर्स को बहुत एंथुजियाज्म फिर से आ जाएगा। कहाँ तक वोटर्स में एंथुजियाज्म आएगा वो तो 25 तारीख को ही पता चलेगा, बट इमीडिएटली इम्पैक्ट तो ये होगा कि कार्डर्स विल गेट एंथूज्ड, और जो जिस तरह से वो कैंपेनिंग करते हैं नवा पीएमएलएन के लोग, वो फिर कैंपेनिंग करना लगेंगे। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो मरियम नवाज का जो राजनीतिक करियर जो शुरू होने से पहले ही ग्रहण खा गया है, उसके अगर वो अपील करते हैं, अपील मानी जाती है या बेल पर निकलते हैं, तो मरियम को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नवाज शरीफ तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं लाइफ के लिए, बट मरियम को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो फिर तरह से पॉलिटिक्स में वापस आ जाए, इलेक्शंस ये इलेक्शंस ना कंटेस्ट कर सके बट फ्यूचर में इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकेंगी। तो ये 2 इमीडिएट इम्पैक्ट्स नवाज शरीफ के रिटर्न के लिए हैं। ठीक है तिलक साहब, अभी आप मैं वापस आऊँगा आपके पास। आपने कार्डर्स की बात की पीएमएलएन की, वो काफ़ी इन्थ्यूज हो सकते हैं और देखना है कि असर क्या होगा। तो ये सही है कि इस वक्त हमारे पैनल में जो पॉलिटिशियंस हैं, हम उनकी भी राय थोड़ा जान लें। सबसे पहले मैं जफर इस्लाम साहब से जानना चाहूँगा, आप साहब बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आपके राय में इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है, अगर बीजेपी का कोई इसका पोजीशन है या असेसमेंट है तो बताइए साहब, आपको क्या दायरा किस प्रकार से आपको यह रूपरेखा बन रहा है? जफर साहब, देखिए जहाँ तक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है,
तो पहले जो आप ओपनिंग रिमार्क्स में किसी ने कहा था कि वहां पर कानून है, लेकिन मुझे लगता है कानून है ही नहीं, चाहे मिलिट्री का हो चाहे वो सिविलियंस का, वहां पर कोई कानून नहीं है, बिल्कुल अंधा कानून है और मिलिट्री राज है, सिविलियन गवर्नमेंट को बार बार मिलिट्री के घटने टेकने पड़ते हैं। दूसरी बात जो है कि ये आज का जो कल का जो डेवलपमेंट है, नवाज शरीफ का जो वापस आना, वो एक स्टंट है, वो बैकफायर भी कर सकता है और उनके फेवर में भी मूव कर सकता है। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ही मिलेगा नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो जैसा किसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिल्कुल डेमोरलाइज हो गई थी, कार्यकर्ता बिल्कुल डेमोरलाइज थे और जो ट्रैक्शन मिलना चाहिए था शहबाज जो उनके भाई हैं उनके लीडर बनने के बाद, वो ट्रैक्शन उनके कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने एक फोर्स मूव लिया है ताकि उनके आने से एक थोड़ा थोड़ा गहमा गहमी हो और उसको फ़ायदा सीधा सीधा पॉलिटिकल फ़ायदा जो है वो इलेक्शन में 25 तारीख को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पर इस तरह के लोग जो कन्विक्टेड लोग हैं, जो करप्शन में पूरे तौर से मुलविस हैं, उसके बावजूद उनको लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा शायद पाकिस्तान में जहाँ पर जंगल राज है, रोग कंट्री है, ऐसे सरकार और ऐसी मिलिट्री जिसने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, वहाँ पर इस तरह की सोच के लोग भी वहाँ पर हैं कि शायद ऐसे कन्विक्टेड लोग को भी सपोर्ट कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वहाँ पर, उसमें सबसे बड़ी तकलीफ जो है आज के दिन में कि वहाँ पर कोई पार्टी स्ट्रांग नहीं लग रही है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने के चांसेस है और उससे जो टेररिज्म जो है उसको एक और बढ़ावा मिलेगा, कि इसलिए कि मिलिट्री चाहती है कि वहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए और उसका बोलबाला जैसे अभी तक कायम रहा उससे भी ज़्यादा बेहतर कायम रहे, ताकि वो टेररिज्म का जो एक बेड़ा उठा के रखा है कि दुनिया में हर जगह टेररिज्म फैलाने का काम पाकिस्तान का है और उस टेररिस्ट फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है वो देना है पाकिस्तानी मिलिट्री को, उसमें शायद वो थोड़ा सा इस तरह के मूव से उनको फायदा होगा, इसलिए कि नवाज शरीफ से मैंडेट जो है ठीक है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, और आपने कहा कि नवाज शरीफ का जो रिटर्न एक स्टंट है। राशिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो कई सालों से ये सारे मामलों को काफी बारीकी तरीके से आप समीक्षा कर रहे हैं, अभी इस इलेक्शन में मेरे ख्याल से एक खास मुद्दा ये है कि हफीज सईद जैसे लोगों को इलेक्शन के दायरे में शामिल किया गया है। अभी जफर साहब दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, आपके तजुर्बे के आधारित आप इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति को किस प्रकार से आप इसको एनालाइज करेंगे? राशिद साहब, देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ की आर्मी ISI और फिर तीसरे नंबर पे ये जो दो आतंकवादी हैं, ये सब मिलके पाकिस्तान को चलाते हैं। जो पुराना रूलर होता है या तो उसे मार दिया जाता है, ज़ियाउल हक मारे गए, भुट्टू मारे गए, बेनज़ीर मारी गई, जिना कैसे मारे गए आज तक नहीं पता, नवाब ज़्यादा लियाकत हुसैन मारे गए, और वही वहाँ पे हुकूमत कर सकता है जिसको वहाँ की आर्मी का कॉन्फिडेंस हासिल हो। नवाज शरीफ साहब को वहाँ की आर्मी का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं रहा। आज बज़ाहिर ये लगता है कि वहाँ की जुडिशरी और आर्मी और ISI इनका नेक्सस है। आर्मी जो चाहेगी जुडिशरी वो फैसला करेगी, और यही मामला नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। नवाज शरीफ, जैसे कि अभी किसी मेरे साथी ने कहा था, उनसे कहा गया कि आप साबित कीजिए कि आप इनोसेंट हैं, ये बुनियादी तौर पे कानून के ख़िलाफ़ है। जो इल्ज़ाम लगाता है वही साबित करता है। आप ये कैसे कहेंगे किसी पे इल्ज़ाम लगा के कि आप साबित कीजिए? तो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, और बल्कि शुरू से मैं बताता हूँ, बताइए राशिद साहब, नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसीलिए वो आए हैं। लेकिन आज के हालात में मुझे ऐसा लगता है आर्मी और इमरान खान मिल गए, ISI उनको सपोर्ट कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। पूरी आर्मी जफर साहब, एक मिनट, ठीक है, इमरान खान के हाथों में इख्तदार आ जाए, ठीक है, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ये देखिए कि सिंध के अंदर भुट्टू पार्टी मजबूत है, पंजाब में नवाज शरीफ हैं, कराची के अंदर रेफ्यूजीज जो हिंदुस्तान से गए हुए हैं वो मजबूत हैं।
तो पाकिस्तान का मामला ऐसा है कि इसे आप लोकतंत्र के आईने में देख ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक। वहां की अभी तक जो आर्मी चाहती है, जो आईएसआई चाहती है, वही पाकिस्तान के अंदर होता है और इस इलेक्शन में भी वही होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज साहब मैं गेस्ट एंकर के रूप में आया हूं, परंतु मैं वैसे मैं भी विश्लेषक हूं, तो मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि पाकिस्तान में प्रयास जरूर हो रहा है कि लोकतांत्रिक जो एक प्रकार के जो जड़ हैं उनको धीरे धीरे मजबूत करने का प्रयास तो हो रहा है, ये दूसरी बात है कि वो असफल रहा है। चीमा साहब आप कुछ कहना चाहते थे, अभी आप बताइए, आपने हमारे दोनों जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने सुना है, एक साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ का वापस आना एक स्टंट है, दूसरा ने कहा कि लोकतांत्रिक जो वहाँ पे जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो बहुत ही नाजुक है। आप बताइए साहब क्या कह रहे थे। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस ना आते तो नवाज शरीफ की पार्टी तो सफ़े हस्ती से खत्म हो जाती। आप तीन दफा चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पंजाब में आपका भाई दो तीन दफा आपका चीफ मिनिस्टर, तीन दफा चीफ मिनिस्टर रह चुका है, 11 करोड़ आबादी के सूबे पे आप हुकूमत करते हैं, अदालतें आपको सजाएं देती हैं और आप मुल्क से भाग जाएं तो आपको वोट कौन डालेगा? नवाज शरीफ साहब अपनी सर्वाइवल के लिए और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी की सियासत के लिए वापस आए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ की सियासत का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो उनकी बेटी मरियम नवाज है, पहली बात। दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं और वो ये है, अभी किसी ने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है जो इल्जाम लगाता है, भाई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये दो केस आए, इमरान खान का भी और नवाज शरीफ का भी। इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा कि आप साबित करें कि जो आपके पास जमीन है ये आपकी, ठीक है, इमरान खान ने डॉक्यूमेंट्स अपनी तलाक याफ्ता बीवी से मंगवा के लंदन से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए और बताया कि ये प्रॉपर्टी मैंने उनसे ली थी और बाद में मैंने उसको पेमेंट की थी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो नवाज इमरान खान पे हुआ ना, ये बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ पे होना चाहिए था। जो वो साबित नहीं कर सके तो जब अदालत ने सजा दे दी तो कितनी बुरी बात है कि आप पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को गलत कह रहे हैं। ठीक है, चीमा साहब, फौज इन्वॉल्व है। हाँ, हम समझ गए, इंस्टीट्यूशंस की इंसल्ट ना करें। ठीक है, आप धीरे भी बोल सकते हैं, आवाज आ रही है काफी स्पष्ट। पार्थ सारथी साहब, थैंक यू, आप बताइए, जिनको नहीं आ रही उनको पहुंचा रहे हैं। आई कैन हियर यू, थैंक यू। आपने काफी समय बिताया है पाकिस्तान में, हाई कमिश्नर रहे हैं। भाई नवाज सर, एक मिनट साहब, चीमा जी जो है वो पाकिस्तान के हैं। एक मिनट, मैं चीमा साहब से बात कर रहा था अभी ना। नहीं, मैं सिर्फ बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के हैं, जहाँ पर सिविलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो उसी का वो मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर भी। मैं आपसे प्लीज वन मिनट, प्लीज आई विल गिव यू अ बायलैटरल लेटर, एक मिनट। पार्था साहब, व्हाई डोंट यू कम इन हियर, आप ये बताइए साहब, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि किसी ने कहा ये स्टंट है नवाज शरीफ साहब का वापस आना, ये कह रहे हैं कि केवल मरियम के सियासत के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी और मजबूत हो गई है, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो है? देखिए, मेरा क्या वो बेगुनाह है या गुनाह हुआ है ये मैं कहने के लिए क्वालिफाइड तो हूँ नहीं, लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि अगर वो सियासतदान हो जैसे नवाज शरीफ, उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उनको पसंद नहीं आई। भुट्टो साहब को फांसी दिया और मैं जानता हूँ किन लोगों ने फांसी दिया, बेकसूर थे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे। तो जुडिशरी भी एक तरफ चलती है सेना के कहने पर, लेकिन बात ये है कि किसी एक जनरल के खिलाफ इनको हिम्मत नहीं कार्रवाई करने के लिए, चाहे मुशर्रफ हो। अब कयानी साहब जाके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं बड़े आलिशान मकान में, एक जनरल होते हुए पाकिस्तान में होते हुए इतना पैसा कहाँ से आया? क्यों नहीं पूछते हैं ये कि पैसा कहाँ से आया? इसलिए कि फौज अपने लोगों को बचाती है और फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करना किसी की हिम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की असलियत। जस्ट अ मिनट, अभी चीमा साहब आप रुकिए, आई विल ब्रिंग यू बैक अ लिटिल, राशिद साहब अभी एक मिनट रुकिए, आई विल ब्रिंग यू बैक। तो बात ये है कि दोहरे नापदंड है और मैं समझता हूँ ठीक है, जो भी हुआ है वो हुआ है, अब भविष्य को देखें कि इलेक्शन में होगा क्या। मेरी राय में एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गया था नवाज शरीफ के खिलाफ, और दूसरी बात ये, आप देखें कि इस चुनाव प्रक्रिया में जो भी लोग मारे गए हैं पेशावर में, जो अवामी नेशनल पार्टी हो और फिर उनका जो बलूचिस्तान पार्टी हो, जो मारे गए हैं सब सेक्युलर मॉडरेट पॉलिटिशियंस हैं, और इसमें और आईएसए भी जिम्मेदारी ली है इस्लामिक स्टेट ने, तो उसमें भी एक संदेश है। बिल्कुल, ये क्यों है?
कि जो इस्लामी पार्टी हैं उनके कोई लोग मारे नहीं जाते हैं, क्योंकि ISI के संपर्क जो है ये रेडिकल इस्लामिक ग्रुप से हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं इंडिया में और अफगानिस्तान में। जनरल साहब, मैं आपको इस बात में शामिल करना चाहता हूं, जैसे मैं एक और पहलू को रेखांकित करना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जहां तक मुझे याद है ये पहली बार है कि हाफिज साईद जैसे व्यक्तियों को और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस प्रकार से इलेक्शन में शामिल हैं, और ये अकेले नहीं हैं, और भी इस प्रकार के जो इस्लाम पसंद गुट जो हैं उनको इस प्रकार से शामिल किया है जिनका दहशतगर्दी के साथ ताल्लुकात है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव होगा इलेक्शन के ऊपर? सबसे पहले कि मेरे विचार में उनके पास 7-8 मेजर पार्टीज़ हैं, और जो 7-8 मेजर पार्टीज़ हैं उसमें 2 तो खैबर पख्तूनवा की पार्टीज़ हैं जिनका बेस उस तरफ ही है, उनका बेस सिंध और पंजाब में नहीं है। और जो सिंध और पंजाब में बेस है वो सिर्फ PML नवाज का और PPP का और कराची में MQM का बोल सकते हैं आप। सो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। सो मेरे विचार में मिलिट्री ने PTI को जो खड़ा किया, इमरान खान की पार्टी को, एक एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश करी। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते और उस इलेक्शन लड़ते तो पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से शायद वो लार्जेस्ट पार्टी फिर भी बन सकते थे, बिकॉज बाकी पार्टीज का कंट्रोल छोटे छोटे प्रोविंसेस में है, पूरा नेशनल पार्टी ऐसा नहीं है। नाउ हाफिज सईद की बात की जाए तो पहले उन्होंने मिली पार्टी बनाई थी और मिली पार्टी को बाद में इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। पर पार्टीज़ के बारे में और इनकी जो टेररिस्ट की पार्टीज़ के बारे में कहा जाता है कि एक आप पार्टी बनाते हैं उसके बाद थोड़े चंद वक्त के बाद जब उसको बैन किया जाता है तो वो किसी और नाम के साथ आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने सेम पार्टी लास्ट मंथ बोला कि हम खड़े होंगे, हमारी पार्टी का नाम होगा अल्लाह अकबर तहरीक। सो ये कहना कि मिली को बैन कर दिया है और अल्लाह और अकबर तहरीक को अलाउ कर दिया है कि आप जाके इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तो वास्तव में तो हाफिज सईद ही पीछे हैं और उनका इस्लामिक कंट्रोल ऐसा हो सकता है कि अगर वो आर्मी का भी प्रोपेल करें, आर्मी पीछे रहे, तो उनका एक इलेक्शन में अगर PML नवाज का नहीं आता है, नवाज शरीफ साहब नहीं खड़े हो पाते हैं, तो और पार्टीज में जिसमें कि ये अल्लाह अकबर तहरीक है शायद कुछ फायदा ले सके। एक छोटा सा टिप्पणी करूं मैं, तुरंत बताइए। ये अडियाला जेल जो है जहां नवाज शरीफ को भेजा है वहां लखे जकीर रहमान लखवी भी वहां गिरफ्तार थे, और जब वो वहां गिरफ्तार थे उनसे आकर कौन मिला? ISI का चीफ जनरल शुजा पाशा। और एक और अजीब चीज, जेल में एक बच्चा उनके लिए अडियाला जेल में, तो कॉन्जुगल राइट्स भी, ये किस किस रकम का, ये किस पहले जैसे हम कह रहे थे अलग अलग कानून, अलग 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 कानून। मैं तिलक साहब आपको शामिल करना चाहता हूं, अभी जफर साहब आपके पास एक मिनट में आऊंगा। तिलक आप बताइए साहब, जो जनरल साहब ने कहा है आप उसके साथ सहमत हैं जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया जहां तक ये दहशतगर्दी गुटों का और उनके जो नेता हैं? तिलक जी मैं इसके बाद एक आर्टिकल भी इस पर लिखा है। एक्चुअली 3 हार्डलाइन पार्टीज हैं जिनको आर्मी मेन स्ट्रीम करना चाह रही है। एक तो उन्होंने जिक्र किया मिली मुस्लिम लीग हाफिज सईद की, एक्चुअली वो बैन पार्टी नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन से, इसलिए वो जो एक पुरानी पार्टी है अल्लाह अकबर तहरीक उसके नाम पर वो इलेक्शन लड़ रही है, 265 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वो लड़ेगी। दूसरी पार्टी है बरेलवी पार्टी, तहरीक ए लबैक पाकिस्तान। इस पार्टी ने जब लास्ट ईयर सितंबर 2017 में बाई इलेक्शंस हुए थे लाहौर में, उन्होंने अपना पहला कदम रखा था, उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद पिंडी को ब्लॉक कर दिया था। तो ये एक बरेलवी पार्टी है और ये पार्टी नवाज शरीफ के जो राइट विंग वोट्स हैं उनके अंदर ये इम्पैक्ट करेगी। और तीसरी है जो एंटी शिया पार्टी है, अहले सुन्नत वल जमात, इसका जो चीफ है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर शेड्यूल 4 में था, उसको शेड्यूल 4 से निकाल दिया, अब वो कहीं भी घूम सकता है और इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो ये 3 पार्टीज को ये एक्सपेरिमेंट कर रही है आर्मी कि किसी ना किसी तरह इनको जो वोट शेयर है PMLN का, राइट विंग कंजर्वेटिव वोट शेयर, उसको डेंट किया जाए, उसका फायदा इमरान खान को होगा। बट इन द प्रोसेस जो पाकिस्तान के अंदर प्लुरैलिटी है और जो मॉडरेट फोर्सेज हैं वो फर्दर चोक हो जाएंगे, और इनमें से कुछ नुमाइंदे अगर पार्लियामेंट में आते हैं तो जितनी भी स्पेस नई गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी हो इंडिया की तरफ वो कम्प्लीटली चोकअप हो जाएगी। तो हमें भी इसको बड़ी केयरफुली से देखना पड़ेगा।
जफर साहब आप कुछ कहना चाहते थे बताइए, और उसके बाद राशिद साहब मैं आपके पास आऊंगा। जफर साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि वहां की आर्मी जो है वो दहशतगर्दों को गर्दी को किस तरह से बढ़ाती है, और वहां के जो जुडिशरी है वो भी इस तरह के जो आउटफिट है जो कि दहशतगर्दी को बढ़ाती है, टेररिज्म को बढ़ाती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट उसमें टेररिस्ट लोग हैं उसमें नुमाइंदे, जैसे हाफिज सईद के बारे में आपने कहा, ऐसे लोगों को वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जबकि वो डिक्लेयर टेररिस्ट है, उनको इजाजत दी जा रही है कि वहां उसकी पार्टी जो है वहां इलेक्शन में पार्टिसिपेशन उनका हो। तो उससे समझ में आता है कि पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान और एक तरह से दुनिया के लिए थ्रेट बनेगा। इस 25th इलेक्शन के बाद जिस तरह से मैंडेट आने की जो संभावना है और आर्मी की पूरी स्ट्रेटजी है, इससे पूरे दुनिया को इसके रिजल्ट के मुझे लगता है पूरे दुनिया को इससे नुकसान पहुंचेगा, और खास के भारत को एक जरा कहीं ना कहीं इससे जो है जो टेररिज्म को जो बढ़ावा जो मिल रहा है पाकिस्तान में उस तरह से, उसको और मुस्तैदी से हमें डील करना पड़ेगा, इसलिए कि जो जिसके चांसेस है जिसके इम्कानात है पाकिस्तान में वो टेररिज्म को और दहशतगर्दी को आगे आने वाले दिनों में और पुश मिलेगा, और आर्मी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ISI का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और जो 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 इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गए डेमोक्रेटिकली प्रोसेस के थ्रू द्वारा वो बहुत ही वीक होगी। ठीक है राशिद साहब आप बताइए, साहब आप कुछ कह रहे थे, आवाज आ रही है राशिद साहब? नवाज शरीफ साहब का जी आ रही है, बताइए। नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उन्होंने कहा कि बॉम्बे के अंदर जो कुछ किया था वो पाकिस्तानियों ने किया था, इसलिए आर्मी ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। आपको याद होगा कि जब उनका बयान आया तो पाकिस्तान में तूफान खड़ा हो गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के गद्दार हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो उन्हें सज़ा मिलनी थी, और मुझे लगता है कि वो पावर में नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान से एक सबक हम ज़रूर सीख सकते हैं, और वो ये है कि एक धर्म एक मज़हब आपको जोड़ के नहीं रख सकता है, तहजीब और कल्चर ही आपको जोड़ के रख सकता है। बांग्लादेश अलहदा हो गया, एक ही मज़हब के मानने वाले थे, बाकी पाकिस्तान में सरहद बलूचिस्तान, मुझे विदेश में कुछ वहाँ के MPs मिले पाकिस्तान के जो सरहद और बलूचिस्तान के थे, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने उनमें से एक आदमी पाकिस्तान का सबसे मालदार आदमियों में से एक था, और उसने मुझसे कहा कि हम MPs हैं, आप अपने प्रधानमंत्री से कहिए कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं तो दरियाओं के पानी रोक दीजिए, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, हमारा ये मैसेज अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो ये एहसासात ये फीलिंग पाकिस्तान के MPs के अंदर है, तो इससे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू इससे हमें सबक लेना सर, मुझे भी तो बात एक मिनट दे रहा हूँ मैं आ रहा हूँ चीमा साहब आपके पास, एक मिनट राशिद साहब ये बात सही है, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, चीमा साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र ज़रूर हुआ था, जहाँ मैंने सुना था शहबाज शरीफ साहब पंजाब के जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने वहाँ कहा कि आप भारत को देखिए, भारत इस वक्त विश्व में क्या तुलना है, किस प्रकार का उसका इकोनॉमी है और लोकतांत्रिक जो दायरे में वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और हमको कुछ यहाँ पे सोच विचार करना चाहिए। पर मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ छोटे से, आप बताइए पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से, एक ये है कि डॉन लीक्स जो आपके सिरिल अल्मेडा साहब ने जो लेख लिखा था उसका कहाँ तक प्रभाव या इन्फ्लुएंस रहा है अभी जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो हो रहा है, और दूसरा ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, समय कम है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपके अंदाजे में July 25th इलेक्शन में जीतने वाला पक्ष कौन सा होगा, अगर आप उसके ऊपर कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं। मैं सबसे पूछूंगा, सबसे पहले मैंने कहा आप चीमा साहब हमारे पाकिस्तान के मेहमान हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 क्वेश्चन, डॉन लीक्स सिरिल अल्मेडा और इलेक्शन, आप बाहर मत जाइए इस दायरे से। चले मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे भी पूरा प्रॉपर टाइम देना, प्लीज, प्लीज, 5 लोग बैठे हुए हैं मुझे भी please. अच्छा पहली बात तो जो सिरिल अल्मेडा और डॉन लीक्स की बात आपकी, देखिए एक चीज तो पाकिस्तान में समझने की है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस में हमेशा इम्बैलेंस रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसको
उसको उसकी पोजीशन ये रहती है कि वो उनके अंदर कोऑपरेशन जो करना होता है मिलिट्री के साथ, उसमें मिलिट्री की इनपुट कम लेते हैं। हालांकि मिलिट्री जो है वो अगर देखे जाए दहशतगर्दी के मामलात में देखा जाए या एक्सट्रीमिज्म के मामलात में देखा जाए तो मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ख्याल है मिलिट्री को एक्सपोज जिन जगह भी किया जाता है वो नहीं करना चाहिए, सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम रही है। चीमा, वी नो दैट। चीमा साहब सुनिए, शॉर्ट क्वेश्चन, डिड डॉन लीक्स, सुनिए सुनिए बात, डॉन लीक्स और सिरिल अल्मेडा का जो लेख है उसका प्रभाव रहा है कि नहीं, यस और नो, दैट्स ऑल। मैंने बताया तो सही है, मैं बता रहा हूं आपको कि सिविल मिलिट्री रिलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, और मियां साहब के दौर में वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम बढ़ा है, मैं ये कह रहा हूं, बात तो जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात आपने की है 25 जुलाई के इलेक्शंस की, जो 25 जुलाई के इलेक्शंस हैं उनमें देखिए इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, पंजाब बहुत पावरफुल बेस है पीएमएलएन की। अगर हम देखें अटक से लेके जो कि तकरीबन पंजाब शुरू होता है नॉर्थ से साउथ में हमारे साहिवाल तक, तकरीबन जो नेशनल असेंबली की 95 सीट्स हैं उनमें मेजॉरिटी सीट्स हमेशा पीएमएलएन जीती है। लास्ट टाइम भी 102 थी, ये सात कम हो गई नई डिलिमिटेशन की वजह से। तो पीएमएलएन लास्ट टाइम भी 105 में से 95 सीटें जीती थी। तो अभी भी अगर पीएमएलएन अपना नॉर्थ को होल्ड कर लेता है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर पीएमएलएन मरकज हार भी गई तो पीएमएलएन प्रोविंस में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। और याद रखे पंजाब 11 करोड़ आबादी का सूबा है और 11 करोड़ आबादी के सूबे में जो पावर डेवोल्यूशन है वो हो चुकी है, हर किस्म की पावर्स हमारी जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों में जा चुकी हैं, सूबे बड़े एम्पावर्ड हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी आप चीज, पॉपुलेशन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो सूबे करते हैं। तो सो पंजाब फिर भी पीएमएलएन को मिलने, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो पीटीआई है वो सीटें लेगी। लेकिन अगर देखा जाए लोगों का रुझान, तो लोगों का रुझान ये भी है कि वो समझते हैं कि पीटीआई एक इमैच्योर पार्टी है। महाराज जीतेगा कौन, जीतेगा कौन भाई? जो नजर आ रहा है वो ये है कि हंग पार्लियामेंट होगी। ठीक है, थैंक यू, हंग पार्लियामेंट, वधिया, सॉरी, वेरी गुड। आप माधव साहब, आप बताइए। मैं चीमा साहब से सहमत हूँ, मैं समझता हूँ कि जो पीएमएलएन है सदर्न पंजाब यानी में दक्षिण पंजाब में, उनका पकड़ कम हो रहा है, इसलिए कि जो वादाएं उन्होंने की उसे पूर्ण नहीं किया। तो हंग असेंबली ज़रूर होगा, लेकिन एक चीज़ है, उसके बाद जो सरकार बनाने की इंजीनियरिंग होगी वो फौज के हाथ में होगा, क्योंकि इमरान खान जो हैं उनके पार्टी को उन्होंने नहीं बनाया, वो हमीद गुल जो ISI चीफ हैं उसका पार्टी है, फौज के बहुत निकट हैं, और जो भी इंजीनियरिंग करना है, कोएलिशन बनाना है, वो फौज के हाथ में होगा। और हमारे लिए इसका प्रभाव ये होगा कि जब तक फौज मिल्ली मुस्लिम लीग जैसे पार्टी से सम्मिलित है तो आतंकवाद का समस्या चलता रहेगा। फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट की बात हो रही है, जनरल साहब आप बताइए, यदि फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट होगा तो भारत के ऊपर क्या असर होगा, संक्षेप में बताइए ताकि मैं बाकी अपने मेहमानों से भी पूछूं। मेरा पहले विचार है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि हंग पार्लियामेंट होगा, पर पीएमएल नवाज सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी और पीटीआई का इस इलेक्शन में काफ़ी एडवांटेज हो सकता है, और इसके बाद में गठजोड़ जो है वो आर्मी करेगी। अगर हम पिछले 70 साल का हिस्ट्री देखें तो कोई गवर्नमेंट जो है डिसीजन मेकिंग में घूम फिर के आर्मी के ऊपर ही दारोमदार करती है पाकिस्तान में। सो कोई भी पार्टी बन जाए, कोई गवर्नमेंट बन जाए, बिहाइंड द सीन्स आर्मी ने ही रूल करना है, तो हिंदुस्तान में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम उनके फॉरेन मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से रिलेशनशिप बना सकते हैं, पर फाइनली जो उनकी आर्मी चाहेगी वो ही होगा। सो मेरे विचार से स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस को मैं पहले जफर साहब से पूछूंगा, उसके बाद राशिद, और तिलक मैं आपके पास सबसे लास्ट में आऊंगा, क्योंकि आपने किताब लिखा है तो आपका जितना भी ज्ञान है आप हमें एक मिनट में बता पाएंगे। पहले जफर साहब आप बताइए, आपका क्या राय है कि फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट और भारत? देखिए, जैसा मैंने पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि बहुत साफ और खासकर नवाज शरीफ वापस आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वहां पर हंग पार्लियामेंट फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, जिससे किसी भी सरकार को
वो वीक करता है कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, और खास कर पाकिस्तान जैसी ऐसी कंट्री जिसमें बिल्कुल आर्मी का बोलबाला है, और आर्मी जो है दहशत, एक ही काम है आर्मी का कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहे उसको मेजॉरिटी अच्छी मिले या फिर फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, कोलिशन की सरकार हो, उसको बिल्कुल वीक कर देना, और खास कर अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा तो बहुत गवर्नमेंट होगी और बोलबाला रहेगा आर्मी का, और आर्मी का जब जब बोलबाला बहुत ज़्यादा रहा है और वो तो उसमें दहशतगर्दी बढ़ी है, तो उसमें मुझे एक ही डर है कि पूरे दुनिया को पाकिस्तान से एक ही खतरा ऑलरेडी रहता है, वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा कि वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ेगी। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि चीमा जैसे लोग आज चैनल पे हैं, खुदा का वो शुक्र अदा कर रहे होंगे, इसलिए कि कल ही वहाँ पर दो ऐसे बड़े ब्लास्ट हुए हैं दहशतगर्द लोगों ने किया जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बढ़ेगी, और उसके लिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के हर अभी पता नहीं कितने को कुलभूषण यादव पाकिस्तान में एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट आर्मी को कैसे दबा दिया? नहीं नहीं, थैंक यू, एक मिनट चीमा, आई विल कम बैक टू यू, जस्ट अ सेकंड, आई विल कम, चीमा साहब आई विल कम बैक टू यू। जितने कुलभूषण यादव भेजे हैं यूनी की वजह से वो आपके वापस आऊंगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मनमोहन सिंह को चीमा साहब एक मिनट रुकिए साहब, प्लीज रुकिए, रुकिए प्लीज, आज आप जिंदा हैं पाकिस्तान में, एक मिनट रुकिए, जिंदा कब रहे हैं बताइए, प्लीज, हर वक्त बम ब्लास्ट होता रहता है, एक मिनट साहब रुकिए रुकिए, कोई मुल्क है चीमा साहब, प्लीज वेट, आई विल गिव यू अ चांस, मौका आपको मिलेगा साहब, राशिद साहब आप कह रही है, तो क्या क्या आप राशिद साहब आपको मैं मौका दे रहा हूं, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा, प्लीज जबर साहब एक मिनट, राशिद साहब आप बताइए। देखिए पाकिस्तान के इस इलेक्शन का नतीजा हंग पार्लियामेंट नजर आता है, लेकिन पार्थी सारथी जी ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, सॉरी फौज और ISI करेगी, वही सरकारें बनाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान को लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा होता चला आ रहा है ऐसा ही होगा, और वहां पे सरकार बगैर ISI और आर्मी की मर्जी के बिना बन ही नहीं पाएगी। थैंक यू राशिद साहब, थैंक यू, आपको मुबारकबाद दूंगा, एक मिनट, आपको मुबारकबाद दूंगा, मैं इस प्रोग्राम में रिलक्टेंट था आने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल एंकर से ज्यादा बेहतर एंकरिंग आपने की, ये आपकी जर्रा नवाजी है, आप तो लखनऊ के हैं, हाय थैंक यू वेरी मच, अभी समय कम है, शपथ को पूरा, मैं साहब गेस्ट एंकर हूं, अभी हम इस शो को समाप्त करेंगे, तो मैं ऐसे करूंगा क्योंकि हमारे मेहमान पाकिस्तान से कुछ कहना चाहते थे, चीमा साहब अगर आपको आवाज आ रही है बताइए साहब, और आप सॉफ्ट वॉइस में बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, बोलिए सर, आपके पास एक मिनट का समय। मैं आपको बता दूं कि जब तक इंडिया कुलभूषण यादव जैसे लोग पाकिस्तान में भेजना बंद नहीं करेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती, हम जमहूरियत पसंद हैं, हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं, हमारी थर्ड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इस दफा हो रही है, हम बड़े खुश हैं इस मुल्क में, लोगों को उनका हक के खुद जो राइट है वो राइट टू वोट मिल रहा है, डेमोक्रेटिक राइट मिल रहा है, प्लीज हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करें, एक बात, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन आजाद हो रहे हैं, आजाद हुए हैं, मिलिट्री अपना काम कर रही है, दहशतगर्दी लड़ रही है और उन दहशतगर्दों से लड़ रही है जिनको इंडिया फाइनेंस करता है, आप इमेजिन करें हमारे लिए काम करना कितना मुश्किल है कि इंडिया जैसा हमारा हमसाया मुल्क जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है उसके भेजे हुए दहशतगर्दों को भी हमसे लड़ना पड़ता है, मुल्क के मसाइल भी देखने पड़ते हैं और हम इंटरनेशनल टेररिज्म को भी काउंटर कर रहे हैं। थैंक यू चीमा साहब, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा था कि गेस्ट एंकर बनने से पहले मैं वैसे विश्लेषक हूं और मैं इतना आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारत की जो औपचारिक रूप से जो नीतियां हैं मैं उनको, एक मिनट साहब एक मिनट मुझे खत्म कर दीजिए, कि मैं इसको प्रधानमंत्री गुजराल साहब के समय से लेके आज तक मैं इसका एक स्टूडेंट हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो डोमिनेंट व्यू यही है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक जो लहर है और जो विचारधारा है और उसके जो जड़ हैं और मजबूत हों, उसी बात पे मैं पार्थ सारथी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप बताइए, शो को आप कंक्लूड करिए, आपके रिमार्क्स क्या हैं? पड़ोसी हैं, मैं उनको आश्वासन ये देना चाहता हूं कि आपके आवाम के खिलाफ हमारे कोई ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन उन चीमा साहब को समझना चाहिए कि हम सिर्फ भारत नहीं कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लेके चाइना के शी जिनपिंग भी कहने लगे हैं, अगर आप देखें जो डिक्लेरेशन वहाँ निकला है, तो अगर पाकिस्तान की फौज सुधर जाए
और सीधे रास्ते में आए तो उनके जो चुने हुए सरकार हैं उनके साथ हम अच्छे संबंध रखते हैं, और हमारी ख्वाहिश यही है कि वहाँ उनकी जो जमहूरियत हो वो और मजबूत हो। हल्ला बोल में इतना ही। पाकिस्तान का इलेक्शन जुलाई 25 तारीख को है। यहाँ से भारत के मैं समझता हूँ कि आम लोग यही चाहते हैं कि जो सकारात्मक जो विचारधारा है और जो लोकतांत्रिक जो लहर है कि वो और मजबूत रहे। पर यह दूसरी बात है कि जब तक रावलपिंडी और मुरीदके के अंदर एक प्रकार की सहमति नहीं बनती है, मुझे लगता है व्यक्तिगत राय से कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है उसमें जो चौधराहट है वो शायद ज़्यादा फौज का ही रहेगा। हल्ला बोल में इतना ही। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।